हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी, दैट इज कॉन्सेप्ट रिवीजन एनी टाइम एनीवेयर फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस, अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस एज वेल एज एग्जामिनेशंस लाइक नीट, कॉमिड के, बिट सेट एंड ऑल द एग्जामिनेशंस। दिस चैनल इज फॉर यू, जस्ट हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चला रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम जो है डे बाय डे, चैप्टर बाय चैप्टर पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे और फिर वन शॉट फिजिकल की सीरीज लेकर आएंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ड्राइव का लिंक है वो भी, उसमें आप क्वेश्चन पोस्ट करें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन और गाइडेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए, लास्ट चैप्टर में हम लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी, इस वीडियो के अंदर हम जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी बच गई थी डाइपोल मोमेंट वो कवर करते हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है और उनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो डाइपोल मोमेंट को आप डिफाइन करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी आइदर चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट उसके उनके बीच में डिस्टेंस के साथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू बराबर होता है क्यू इंटू डी, दैट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस। ये क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट होता है चार्ज और डिस्टेंस का। ये एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, नीट से ले लो या जेई मेंस का ले लो, फेवरेट क्वेश्चन है। और स्पेशली बिट सेट को, तो बिट सेट को इस क्वेश्चन को छोड़ेगा ही नहीं, बिट सेट और कॉमेड के। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I का डाइपोल मोमेंट बताना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शनल डाइपोल मोमेंट है और एक्सेप्शनल चीजें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो इसका डाइपोल मोमेंट आपको याद रखना है जो होता है CH3Cl, CH3F, CH3Br, CH3I। सबसे ज्यादा CH3Cl का होता है, फिर CH3F का होता है, फिर CH3Br, CH3I का। सबसे पहली बात इसको समझने से पहले ये याद रखना है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल एनसीईआरटी फैक्ट है, तो आपको इसको रटना है, तो मुझे तो रट लो है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर जो एनसीईआरटी इसका रीजन देती है, वो देती है कि भाई CH3Cl और CH3F में कंट्रोलिंग फैक्टर जो होता है चार्ज होता है, Cl का डेल्टा नेगेटिव ज्यादा होता है, इस वजह से उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, और जो इसके अंदर कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो डिस्टेंस होता है। Br का साइज छोटा होता है और Br का साइज छोटा होकर चार्ज ज्यादा होता है, इस वजह से उसका म्यू का प्रोडक्ट ज्यादा जाता है। तो ये मतलब ठीक है, जस्ट इसको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ऑर्डर याद ही रखना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। एक्सपेरिमेंटल एनसीईआरटी फैक्ट है, लैब डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। उसके बाद हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की दो फेमस केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है उनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनको हम NSR बोलते हैं, और एक होती है उनकी एलिमिनेशन रिएक्शन जिनको हम E1, E2, E1CB और EI बोलते हैं। इस PDF का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चिंता ना करें, आप वहां से डाउनलोड करके अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है E1, E2, E1CB, EI, ये हमने कंप्लीट कर लिया है, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये कंप्लीट नहीं है तो पहले इसके चार वीडियोस है वो जाके देखें, छोटे छोटे हैं, 15-15, 16-16 मिनट के, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, एक घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। E1, E2, E1CB, EI, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे SN1, SN2, SNI, SNNGP, जो कि आपकी फेमस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, या तो वीक या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी रिएक्शन को आगे कैरी करता है, उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके अंदर जो लीविंग ग्रुप होता है उसको एलिमिनेटिंग ग्रुप या रिमूविंग ग्रुप भी बोलते हैं। ये जो होते हैं टर्म्स यूज कर ली जाती है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लिखवा दी लीविंग ग्रुप नेचर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके पास जो है लीविंग ग्रुप नेचर कंपेयर करवाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको लीविंग ग्रुप नेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होता है उसका लीविंग ग्रुप नेचर कम होता है, जिसकी बेसिसिटी कम होती है उसका लीविंग ग्रुप नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपसे सर्टेन कंपाउंड्स देखे उनका लीविंग ग्रुप नेचर पूछा है, तो उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर जमाओ और उनकी बेसिसिटी के ऑर्डर को रिवर्स कर दो, तो आपके पास उनका लीविंग ग्रुप नेचर आ जाएगा। अगेन बेसिसिटी के ऑर्डर के लिए जीओसी काफी इंपॉर्टेंट है, जीओसी की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके कमजोर है तो वहां से जाके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सम कॉमन या सम गुड लिविंग ग्रुप्स। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में N2+ जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इससे अच्छा लिविंग ग्रुप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है। जेई के सिलेबस में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें, या जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हो नीट, कॉमेट के, बिटसेट, MSTCT, WBJ, किसी के सिलेबस में भी N2+ से अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप हमको याद रखना है N2+। उसके बाद ये सारे अच्छे लिविंग ग्रुप है, लेकिन इन अच्छों में भी कंपेरिजन करना, भाई मान लो 10 इंटेलिजेंट है तो उन 10 में से भी एक सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो ये 10 अच्छे, ये 4 अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, इनमें से भी सबसे अच्छा होता है N2+, फिर ये होता है CH3COO-, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट TF-, ठीक है।
फिर ये होता है बेंजीन पे बी आर और नीचे लगा होता है SO3-, इसको हम बोलते हैं ब्रोसिलेट OBR। आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी है कि TF- क्या होता है, OBR क्या होता है, OTS क्या होता है। OTS होता है टॉसिलेट। बस इस ब्रोमीन की जगह आप CH3 लगा दो तो नीचे SO3- बेंजीन के ऊपर, तो ये होता है टॉसिलेट। OTS से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास क्वेश्चन में OTS लिखा हुआ आएगा मतलब टॉसिलेट, OBR लिखा हुआ है मतलब ब्रोसिलेट, TF लिखा हुआ है इसका मतलब ट्रिफलेट, ये इनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्पीशीज विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। वह स्पीशीज जो कि अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकती है टू एटम अदर देन हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। वो सारी स्पीशीज जो कि अपने नेगेटिव चार्ज को, वो सारी स्पीशीज जो कि अपने नेगेटिव चार्ज को या अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है टू एटम अदर देन हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोजन को तो कहां से इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी भाई, उसके पास तो ऑलरेडी एक होता है। अब इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जितने भी एनाइंस होते हैं, एनाइंस मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज होती है, वो सब न्यूक्लियोफाइल होता है। या फिर वो स्पीशीज जिनके सेंट्रल एटम के ऊपर एटलीस्ट वन लोन पेयर, जिनके सेंट्रल एटम के ऊपर एटलीस्ट वन लोन पेयर है, एटलीस्ट वन का मतलब कि कम से कम एक, वो स्पीशीज जिनके सेंट्रल मेटल एटम पे एटलीस्ट या सेंट्रल एटम पे एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे NH3, PH3, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है, ये कॉमन है। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वो सारे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। जैसे कि आपके एल्कीन्स हो गए, बेंजीन, बेंजीन आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्वेश्चन कॉमेडी के बिट सेट के अंदर और कॉमेडी के अंदर पूछा गया है, ठीक है, हो सकता है आगे नीट के अंदर भी आ जाए। इसका प्रूफ क्या है, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका प्रूफ यह है कि हम बेंजीन के अंदर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मतलब बेंजीन ES शो करता है। अगर बेंजीन ES शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो बेंजीन को खुद को कैसा होना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या होता है, पाई क्लाउड होता है, ठीक है। पाई क्लाउड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड होता है, इसलिए उसको हम हायर न्यूक्लियोफिलिक क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के पास पाई क्लाउड होता है, इस वजह से वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। आप एल्काइन्स भी ले सकते हैं जिनके बीच में ट्रिपल, इसके पास दो दो पाई क्लाउड होते हैं, तो इसकी वजह से ये भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जिनके बीच में सी डबल बॉन्ड सी है या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। उसके बाद थर्ड आते हैं आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आप किनको बोलते हो, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, मतलब जो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास जो दो एटम्स के थ्रू न्यूक्लियोफिलिसिटी शो कर सकते हैं। जैसे आपके पास CN- CN हो गया, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल है। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है NO2 में, तो नाइट्रोजन भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल है। आप SO2 का एग्जाम्पल ले लो, आप SO3 का एग्जाम्पल ले लो। SO3 ऐसा होता है, इसमें सॉरी SO3 तो नहीं होगा क्योंकि SO3 में सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, लेकिन अगर आप SO2 ले लोगे, अगर आप SO2 ले लोगे तो ये भी आपका, देखो ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन तो दोनों सेम ही है, तो इसके पास भी दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गए, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन, तो ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, वही एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज टू एटम्स अदर देन हाइड्रोजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। किसी न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कितनी एबिलिटी है, उसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। और ये इस बात पे डिपेंड करती है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से शो कर सकते हैं, वो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर है न्यूक्लियोफाइल, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एंड एनायन, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बिगर एनायन इंक्रीजेस। ये ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट आपको रिमेंबर रखना है।
उसके बाद हम आगे चलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ एग्जांपल्स, H2 हो गया, C2H5OH हो गया, CH3OH हो गया, HCOH हो गया, CH3COH हो गया, H2S, H2S भी बच्चों बच्चे पोलर एप्रोटिक कंसिडर कर लेते हैं, जबकि पोलर प्रोटिक होता है NH3, आपके पास पोलर प्रोटिक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं पोलर ए प्रोटिक जो वाटर से दूर तरफ भागते हैं, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एटम, ठीक है, जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है इसको भी रिमेंबर रखना है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स ओनली कैटायन, पोलर ए प्रोटिक तो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर रहा था, लेकिन सॉरी पोलर प्रोटिक तो कैटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर रहा था, लेकिन पोलर ए प्रोटिक जो है सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है जो होता है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ स्मॉलर एनायन इंक्रीजेस, ये इसका रीजन है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट का। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के कुछ एग्जाम्पल, सबसे आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई आएगी, मैंने इनकी लॉन्ग फॉर्म्स भी आपको लिखवा दी है फॉर जस्ट इंस्टेंस, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपके पास लिखी हुई आएगी। डीएमएसओ होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है CH3SOCH3। इसके बाद डीएमए होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है HCONCH3 होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद आता है ये होता है डीएमए डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये होता है डाइमिथाइल एसिटामाइड, ये डीएमएफ नॉट डीएमए, इट्स डीएमएफ, DMF डायमिथाइल फॉर्मामाइड एंड इट इज DMA दैट इज डायमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे जो है आपके पास हाइड्रोजन की जगह CH3 रिप्लेस हो जाता है तो जाता है डायमिथाइल एसिटामाइड। उसके बाद एसीटोन CH3COCH3, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। RCN साइनाइड, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। उसके बाद ये होता है हेक्सामिथाइल फॉसोअमाइड, जिसको हम बोलते हैं HMPA, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है पी डबल बॉन्ड हो NCH3 होल ट्वाइस, NCH3 होल ट्वाइस, NCH3 होल ट्वाइस, मतलब छह इसके पास CH3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके पास CH3, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइल फॉस्फोअमाइड। ये हो गए आपके पास कुछ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब कुछ जनरल पॉइंट्स जो कि इन रिलेशन टू आपके न्यूक्लियोफिलिसिटी है, वो क्या है, इफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑन सेम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट। अगर सेम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्वेंट की, चाहे पोलर एप्रोटिक हो चाहे पोलर प्रोटिक हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर करें CH3O-, अब इसमें से एक एच हटाओ एक CH3 लगाओ, मतलब CH3CH3CHO-, अब इससे दोनों एच हटा, इससे बचा हुआ एक एच और हटा दो, या इससे तीनों एच हटा के तीन CH3 लगा दो, या इस वाले कंपाउंड में एक एच हटा के एक CH3 लगा दो, CH3CH3CH3O-। तो देखो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन थे, यहाँ पे दो CH3 थे और यहाँ पे तीन CH3 थे। तो जैसे जैसे आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते जा रहे हो CH3 लगा लगा के, वैसे वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती जा रही है। इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है ये सबसे ज्यादा CH3O- का, फिर CH3CH3O- का, और सबसे कम इसका जिसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपके पास हिट्रो एटम प्रेजेंट होता है, जनरली बोल रहा हूं, जनरली ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, अगर हिट्रो एटम प्रेजेंट है एडजेसेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट, चाहे पोलर प्रोटिक हो चाहे पोलर ए प्रोटिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के बगल में हिट्रो एटम है, जनरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कंसीडर करते हैं H2O2 और H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की ज्यादा होती है। व्हाई हाइड्रोजन परऑक्साइड, बिकॉज अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप देखोगे दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन कौन से हैं, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, इसके पास एक ही न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है एक ऑक्सीजन, और इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसके बगल में दो सेम एटम है, जबकि इसका अगर ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कंसिडर करूँ तो उसके बगल में एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, और ये वाला न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कंसिडर करूँ तो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के बगल अगल बगल में दो हिट्रो एटम है, मतलब दो डिफरेंट एटम्स है, उनमें से एक एक हाइड्रोजन है और एक जो दूसरा जनरल होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, उनमें से ऑक्सीजन है। तो इसके पास में हिट्रो एटम है एडजेसेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, हिट्रो एटम्स एडजेसेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हाइड्रोजन परऑक्साइड की ज्यादा होती है, किससे, वाटर से, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं, अगर आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशनड अबाउट सॉल्वेंट देन बाय डिफॉल्ट टेक सॉल्वेंट एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आपके पास सॉल्वेंट के अंदर कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट को आपको एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके चलना है। एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लेते हैं, CH3-NH2-OH-F- की न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन है, इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है और इसके अंदर फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी सबसे कम, फिर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन के बाद, तो उसकी सबसे कम, फिर इसकी और सबसे ज्यादा इसकी। इन चारों के अंदर से कार्बन ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज्यादा CH3- देन NH2- देन OH- देन F-। ये आपका जो है ऑर्डर आ जाएगा, किसका ऑर्डर आ जाएगा बच्चों, ये ऑर्डर आ जाएगा आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का। क्यों? क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम है उसके। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की सबसे कम है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। ये वाले जो नोट्स हैं बिल्कुल एज इट इज अच्छे फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने शॉर्ट नोट्स इनमें से बना लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में हमने इन टोटल न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करी। नेक्स्ट चैप्टर से हम नेक्स्ट लेक्चर से SN1, SN2, SNI और SNNGP की अच्छे से बात करेंगे, जैसे हमने E1, E2, E1CB की बात करी थी, वैसे ही हम SNNGP, SN1, SN2, SNI की बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन का इधर बटन आ रहा होगा उसे प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।